मिनी मुंबई के तौर पर पहचान रखने वाले इंदौर शहर में लोक स्वामी और डिजियाना समूह द्वारा आयोजित पंखड़ा गरबा देखने और इसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में शहर के लोग पहुंच रहे हैं। गुजराती दो ताली शैली पर होने वाला पंखड़ा गरबा देश के तीसरे बड़े गरबा पंडालों में से एक है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां कुष्मांडा की आराधना के बाद पारंपरिक वेशभूषा के साथ गरबा खेला गया। बॉलीवुड के किंग खान फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के साथ बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली सना सईद पंखड़ा गरबा महोत्सव में शामिल होने के लिए आई थी। सना ने पंखड़ा में अपनी शानदार प्रस्तुति से सभी दर्शकों का मन मोह लिया। पंखड़ा गरबा में के आयोजन में डिजियाना मीडिया ग्रुप एक प्रमुख सहयोगी है। इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट, डिजियाना मीडिया समूह के MD तेजिंदर सिंह घुमन और एकाम स्टूडियो की डायरेक्टर पूनम घुमन खास तौर पर मौजूद रहे। इन सभी अतिथियों ने पंखड़ा गरबा की तारीफ करते हुए इसे प्रदेश का श्रेष्ठ दुर्गा उत्सव आयोजन बताया। हमारा ये मध्य प्रदेश का नगर इंदौर कला का है, संस्कृति का है, शिक्षा का है, खेल का है और आस्था और विश्वास का है, क्योंकि ये दो दिन की जो आराधना माँ की चलेगी, मैं माँ से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश युवा देश है, इस युवा को एक गरबा भी एक आराधना है माँ की, बेटी के रूप में करती है, बेटे के रूप में करती है। माँ से ही प्रार्थना, माँ इतनी शक्ति दे, ये शक्ति का उपयोग देश और प्रदेश की विकास और प्रगति में हो। फिर से मैं जीतू भाई के लिए पवित्र काम के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। माँ से ही प्रार्थना करता हूँ मेरे इस भाई को इतनी शक्ति दे जो ये गरबा इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, राष्ट्र के पटल पर चर्चित हो, मेरी शुभकामना है। मैं खुद आज पूरे परिवार के साथ देखने आया था, तो आज जो ड्रग्स जो हमारे यूथ को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, उसके लिए जो आज इन्होंने एक जो संदेश दिया है, वाकई में वो बहुत काबिल तारीफ है। और वही मैंने कहा ना कि एक तो सांस्कृतिक रूप से जो गरबे होने चाहिए, जो एक पूजा के भाव से होने चाहिए, वो होते हैं, और साथ में इस तरीके के जो सामाजिक संदेश दिए जाते हैं, आज जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत, कई लोगों को मैंने रोते हुए भी देखा उसको देखने के बाद में, तो वाकई में यूथ जो है हमारा वो भटक रहा है अभी। आज के चकाचौंध में जो उनको देख रहे हैं, वो उनको वो मार्गदर्शन इसी तरीके के इवेंट से मिलता है, उनको समझ में आता है कि अगर वो कहीं इस राह पे जा रहे हैं तो वो उस पे ना जाएं, उसका एंड जो है वो गलत ही होगा। पंखेड़ा में बहुत ही अच्छा माहौल है, गरबा के दिनों में यहाँ पर पूरा इंदौर इकट्ठा होता है, ऑलमोस्ट सारा इंदौर, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज होती है, सब लोग इतना अच्छा सिंक्रोनाइज करते हैं और सेलिब्रिटीज आते हैं, बहुत अच्छा था यहाँ पर अरेंजमेंट। यही मैसेज है कि सब लोग और आगे बढ़ें, एंड खास लेडीज़ को कि और आगे आएं, अपने अपने फील्ड्स में आगे आएं, अपने बच्चों को आगे आने का मौका दें, बेटियों को आगे आने का मौका दें।